मित्रों, मान सम्मान का आदान प्रदान हमारी संस्कृति है, और लीजिएगा आज कुछ व्यंग की चुटीली बातें आप तक पहुंचाने आपके बीच आया हूं। हम कवि लोग जब मंच पे खड़े होते हैं तो आपके मन में एक भाव आता है कि देश की समस्याओं के बारे में कहेंगे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, तूफान जी ये हमारे देश में इतनी समस्याएं क्यों हैं? मैंने कहा समस्या पे बहुत विचार किया तो एक लाइन में मुझे पता पड़ा कि हमारे देश में समस्याएं क्यों हैं। क्योंकि देश है तो नेता है, और नेता है तो समस्या है, इसलिए हमारे देश में समस्या है। वाह वाह मित्रों, नेताओं पे कवियों ने बहुत कुछ कहा। मध्य प्रदेश के एक मोहन सोनी कवि हुए हैं, उन्होंने दो पंक्तियों में नेता पे जो बात कही है मैं वो आप तक पहुंचा के, और नेता पे मैंने क्या कहा जी आप तक पहुंचाना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक सांप ने नेता को डसा, एक सांप ने नेता को डसा, नेता जी मजे में है, सांप चल बसा। तो जहां पर नेताओं पे चुटीली बातें की जाती हैं, मित्रों हर शहर में जादूगर आता है। जिस शहर में आता है उस शहर में हंगामा होता है, जादूगर ने ये कर दिया, जादूगर ने वो कर दिया। मेरे शहर ब्यावर में भी एक जादूगर आया, उस जादूगर ने शहर में जो कारनामे किए, लेकिन मैंने उसे एक काम बताया और वो काम जादूगर नहीं कर पाया, लेकिन मेरी कविता बन गई, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जादूगर, जादूगर आया, जादूगर आया, जादूगर आया, जादूगर आया, कंपनी वालों ने शहर में माइक घुमाया। जादूगर आया, जादूगर आया, कंपनी वालों ने शहर में माइक घुमाया। तो एक दिन हमारे एक पड़ोसी ने हमको भी सुझाया, तूफान जी बेवजह पैसा मत जोड़िए, बड़ा ही अनोखा जादूगर है, देख आइए मौका मत छोड़िए, बड़ा ही अनोखा जादूगर है, देख आइए मौका मत छोड़िए। मैंने कहा यार एक सवाल है, ये तो बताओ कि उसके जादू में ऐसा क्या कमाल है, उसके जादू में ऐसा क्या कमाल है। वो बोला साहब जब जादूगर मंच पे आता है अपनी जादू की छड़ी को घुमाता है तो मंच पे एक जिन्न प्रकट हो जाता है, वो जिन्न जादूगर के इशारे पर कहीं भी चल देता है, चूहे को सांप में, सांप को चूहे में, गधे को शेर में, और शेर को गधे में बदल देता है। वो बोला मैं तो आज फिर जाऊंगा और अपनी बीवी को ऐश्वर्या राय में बदलवाऊंगा। वो बोला मैं तो आज फिर जाऊंगा, अपनी बीवी को ऐश्वर्या राय में बदलवाऊंगा और अपनी शक्ल सलमान खान से मिलवाऊंगा। तो हमने कहा यार तुम्हारी अपनी शक्ल क्या बुरी है, इसी से काम चलाओ, और मिलवानी ही है तो अपने बेटे की शक्ल खुद से मिलवाओ। सुनते ही वो साहब सकपकाए, थोड़ी देर में चलते फिरते नजर आए। तो हमने भी सोचा चलो आज हम भी जादूगर के चमत्कारों का लुत्फ उठाएं। अगले ही शो में जब जादूगर मंच पे आया तो हमने अपना हाथ उठाया, उसने हमें मंच पे बुलवाया, बोला कहो तुम्हारा क्या दावा है, क्या हमारी काबिलियत पर कोई धावा है। मैंने कहा जादूगर जी अपने बड़प्पन का जश्न हर रोज मत मनाओ, अरे इतने ही बड़े जादूगर हो तो किसी नेता को आदमी बनाओ। जादूगर ने कहा बुलवाओ, तो हमने फौरन भीड़ में बैठे एक स्थानीय नेता को मंच पे बुलवाया। वो नेता भी भाषण देने के अंदाज में चला आया, आते ही माइक पकड़ के बोला जादूगर हम तुझे पद्मश्री दिलवाएंगे। जादूगर बोला चुप रहे, पहले हम तुझे आदमी बनाएंगे। अब के जादूगर ने अपनी छड़ी को घुमाया, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं हुजूर, कई बार घुमाया, लेकिन अब के मंच पे जिन्न नहीं आया, दूर से ही चिल्लाया, मेरे हुजूर, मेरे आका, मैं आपको क्या बताऊं,
मंच पे कैसे आऊं? वो जो नेता आपके पास खड़े हैं, मैं तो छोटा जिन्न हूं, वो मुझसे भी बड़े हैं। वो जो नेता आपके पास खड़े हैं, मैं तो छोटा जिन्न हूं, वो मुझसे भी बड़े हैं। जादूगर बोला, हुजूर माफी चाहता हूं, ऐसी कोशिशों में मेरा जादू खो सकता है। मुझे समझ नहीं थी कि एक नेता आदमी कैसे हो सकता है, एक नेता आदमी कैसे हो सकता है।